दोस्तों, तो आज हमारे पास है हमारे फ्रेंड का लैपटॉप जिसको प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट मोड की। मतलब उसके विंडोज़ में नीचे की तरफ टेस्ट मोड लिखा हुआ आ रहा है। इसको हम हटाएंगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं केवल 10 सेकंड के अंदर। मैं पूरा करके दिखाने वाला हूँ आपको। आपकी कोई भी विंडो हो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सिंपली सर्च करना है। आपकी अगर कोई और विंडो है तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सर्च करना है पावर सेल। आप देख सकते हैं विंडोज़ 10 है इसमें, तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ POWER पावर और स्पेस डाल के सेल। देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज़ पावर सेल आ रहा है। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूंगा। फ्रेंड्स, केवल 5 सेकंड का काम है इसके अंदर। इसे हम यस कर देंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक छोटी सी कमांड लिखनी है, जो कमांड मैं आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी। वहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर BCD एडिट स्पेस और बार लगा के सेट लिखा हुआ है और टेस्ट साइनिंग ऑफ लिखा हुआ है। ये केवल लिख के आपको एंटर कर देना है। बस केवल इतना ही करना है फ्रेंड्स, आपको और कुछ नहीं करना। जब आप इतना काम कर देंगे तो आपका जो टेस्ट मोड है वो हट जाएगा। लेकिन देखेंगे अभी भी टेस्ट मोड जो साइड में आ ही रहा है, उसे हटाना कैसे है। ये करने के बाद आपको अपना कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है उसे रीस्टार्ट कर देना है एक बार। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फ्रेंड्स, और बात बताऊँ मैं आपको, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसे रीस्टार्ट। देख सकते हैं इसे मैं रीस्टार्ट करता हूं। जब तक फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप विंडोज़ को एक्टिवेट कैसे करें, इसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे रीस्टार्ट हो गया, मैंने पॉज कर दी थी वीडियो, ये टेस्ट मोड हट चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को। कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री सर्विस, आपको फ्री में वीडियोज़ मिलेंगी फ्रेंड्स।